भारतीय क्रिकेट जगत में फैली सनसनी पृथ्वी शो सह तीन बड़े खिलाड़ी डोपिंग में फंसे बीसीसीआई ने किया निलंबित। नमस्कार, चोट के कारण काफी समय से क्रिकेट मैदान से बाहर चल रहे भारत के युवा टेस्ट ओपनर पृथ्वी शो डोपिंग के कारण 8 महीने के लिए निलंबित हो गए हैं। पृथ्वी के साथ और 2 खिलाड़ियों राजस्थान के दिव्य गजराज और विदर्भ के अक्षय डुलरवार को डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि पृथ्वी को डोपिंग नियमों का उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया है। विज्ञापित के अनुसार पृथ्वी ने अनजाने में एक प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन कर लिया था जो आमतौर पर खांसी के सिरप में पाया जाता है। पृथ्वी पर यह निलंबन मार्च के महीने की पिछली तारीख से लगाया गया है और ये इस साल 15 नवंबर तक जारी रहेगा। बीसीसीआई ने बताया कि पृथ्वी ने इंदौर 22 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच के दौरान बीसीसीआई के डोपिंग रोधी कार्यक्रम के तहत अपना मूत्र नमूना दिया था और टेस्ट के बाद इस नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ ट्यूब लाइन पाया गया। ये पदार्थ विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित दवाओं को सूची में शामिल है। कूल्हे की चोट से उभर रहे पृथ्वी को 8 महीने के लिए निलंबित किया गया है। पृथ्वी का निलंबन 16 मार्च 2019 से लागू होता है और 15 नवंबर 2019 की अर्धरात्रि तक लागू रहेगा। बीसीसीआई ने अपनी विज्ञापित में कहा कि पृथ्वी के इस मामले में स्पष्टीकरण के बाद बोर्ड ने उन्हें 8 माह के लिए निलंबित किया है। ये निलंबन 16 मार्च 2019 से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर को समाप्त होगा। डोपिंग के उल्लंघन को लेकर पृथ्वी के अलावा घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलने वाले दिव्य गजराज और विदर्भ के लिए खेलने वाले अक्षय डुलरवार को भी निलंबित किया गया है। राजस्थान के गजराज ने आंख की चोट के इलाज के लिए दवा ली थी और प्रतिबंध पदार्थ था, जबकि विदर्भ ने अक्षय के एक इन्फेक्शन के लिए जो दवा ली थी उसमें प्रतिबंध पदार्थ था। गजराज का निलंबन 25 सितंबर और अक्षय का निलंबन 9 नवंबर की अर्धरात्रि को समाप्त होगा। बीसीसीआई ने बताया कि इस महीने 16 जुलाई को पृथ्वी पर बीसीसीआई के डोपिंग रोधी नियम अनुच्छेद 2.1 तहत डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इस मामले पृथ्वी ने आरोप को स्वीकार किया लेकिन साथ ही कहा कि ये उनसे अनजाने में हुआ। क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कहा कि पृथ्वी ने अनजाने में इस प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था। इस मामले में उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया बोर्ड ने उसे स्वीकार कर लिया। बीसीसीआई ने बताया कि पृथ्वी 15 नवंबर तक सभी तरह के क्रिकेट से निलंबित रहेंगे। बीसीसीआई ने पृथ्वी की सफाई को स्वीकार कर लिया और उन्होंने शारीरिक क्षमता बढ़ाने के तौर पर नहीं बल्कि खांसी रोकने के लिए इस प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया है। हालांकि इस मामले में सभी तरह के विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि पृथ्वी को लापरवाही बरतने के लिए 8 महीने का प्रतिबंध झेलना होगा। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी चोट के कारण काफी समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं और वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी उनका चयन नहीं किया गया। पृथ्वी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 23 अक्टूबर 2018 के वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद में खेला था। उन्होंने अब तक भारत के लिए 2 टेस्ट खेले हैं। उनके नाम 1 शतक और 1 अर्धशतक दर्ज है। उन्होंने 2 टेस्ट में 118.50 की औसत से 237 बनाए थे। पृथ्वी ने टेस्ट करियर का आगाज 4 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में किया था और इस टेस्ट की पहली ही पारी में उन्होंने 154 गेंदों पर 134 रन जड़ दिए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।